जैन फैंस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर डिफेंस क्लास में। साथियों, यदि आपका सपना है साथियों कि टीचर बनने का, तो आज की वैकेंसी उन्हीं के लोगों के लिए है, क्योंकि आज की वैकेंसी दोस्तों वो चंडीगढ़ GBT टीचर की वैकेंसी है, जिसमें आपका प्राइमरी टीचर की भर्ती होने वाली है साथियों। तो अगर आप दोस्तों इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं साथियों, तो इसका फॉर्म जो है ज़रूर भरीजिए आप साथियों, जिसमें आपको बताऊंगा इस वीडियो में स्टार्टिंग डेट कब से है और आप फॉर्म कब तक भर सकते हैं। साथ साथ बात करेंगे दोस्तों एज लिमिट की, इसमें एज कितना मंगा है, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ साथ बात करेंगे GBT ट्रेनिंग में आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना रहना चाहिए, सभी डिटेल्स को इस वीडियो में आपको बताऊंगा साथियों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेगा यहाँ पे। सो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं आप चंडीगढ़ GBT टीचर रिक्रूटमेंट 2023 यहाँ पे, ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़। तो ये वैकेंसी दोस्तों चंडीगढ़ से निकली है यहाँ पे। पोस्ट का नाम है यहाँ पे जूनियर बेसिक ट्रेनिंग यानी GBT टीचर के लिए, ठीक है, प्राइमरी टीचर। तो वाइस की स्टार्टिंग डेट कब से दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट जो रहने वाली साथ, इसमें आपका 10 अगस्त 2023 से फॉर्म अप्लाई होने वाला है, ठीक है। और इसे आप दोस्तों 31 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट 31 अक्टूबर 2023 तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए नो डाउट। और बात करें दोस्तों लास्ट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, इसमें आप 2 नवंबर तक अब इसमें एप्लीकेशन फ़ी लास्ट डेट रखा गया है। साथ दास यहाँ पे बात करें फीस कंफर्मेशन डिस्प्ले लिस्ट, यदि आपका दोस्तों आपका फीस पेमेंट नहीं हुआ है, तो आप इसे दोस्तों 10 नवंबर तक इसे आप डिस्प्ले में देख सकते हैं लिस्ट के तौर पर। अब बात करते हैं साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स वालों के लिए दोस्तों 1000 रुपये फीस पर करना पड़ेगा, यहाँ पर आपके SC वालों के लिए दोस्तों 500 रुपये फीस पे करना पड़ेगा, इज दैट क्लियर। अब बात करते हैं साथ ही इसमें जॉब लोकेशन, तो जॉब लोकेशन इसमें चंडीगढ़ है साथ ही यहाँ पे। अगर आपके यहाँ पे एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपका 1 जनवरी 2023 से काउंट की जाएगी, जिसमें आपका 21 वर्ष के से कम और आपका 37 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं साथियों, तो उसे गवर्नमेंट रूल के हिसाब से वहाँ पे आपको छूट दी जाएगी, ओके। पोस्ट कितने साथ थे इसमें दोस्तों, 293 पोस्ट दिया गया है, 293 पोस्ट, ओके। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट दोस्तों कैटेगरीज वैकेंसी डिटेल्स की, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जनरल के लिए 149 पोस्ट, EWS के लिए 29 पोस्ट, 29, ओके। और OBC की बात करें 500, ठीक है, इसमें दोस्तों 56 इसमें है। और SC के लिए आप यहां पे देख सकते हैं 59 पोस्ट दी गई है, ओके साथियों। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों प्राइमरी टीचर के लिए यहां पे आप देख सकते हैं आपके पास दोस्तों बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, ओके। विथ आपका दोस्तों DLED होना चाहिए, ठीक है, एड आपका CT होना चाहिए, प्राइमरी लेवल एग्ज़ाम पास होना चाहिए, तब आप इस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओके। साथ साथ इसमें दिया गया दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, विथ आपका उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों ये बात तो होगी आपके बैचलर डिग्री की, उसके बाद बात कर दोस्तों BEd की, अब साथ साथ आपका BEd होना चाहिए दोस्तों एंड CTET प्राइमरी टीचर लेवल एग्ज़ाम पास होना चाहिए, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही बेसिकली मांगा गया है, इसमें DLED मांगा गया है, सो इसमें BEd मांगा है दोस्तों, ठीक है, जिसमें आपका कोई भी यहाँ पर होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं साथियों, ठीक है। अब बात करें दोस्तों कैसे अप्लाई करना है, तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहां से जाइए और जल्दी से अप्लाई कीजिए। बात करें मोड ऑफ़ सिलेक्शन की, तो मोड ऑफ़ सिलेक्शन दोस्तों सबसे पहले इसका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ठीक है दोस्तों, आफ्टर दैट आपकी आगे की प्रक्रिया की जाएगी वहाँ पर। तो कैसे लगा दोस्तों वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए ये भी कमेंट कर दोस्तों, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।